हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं दोस्तों। इधर देखिए बहुत सारा चीज है। ये देखिए दोस्तों हम क्या क्या खरीदे हैं। तो अब हम बनाएंगे दोस्तों वैरायटी वैरायटी खाना, एकदम पूरा सब्जी आ गया। और भैया भाभी के लिए भी बना देंगे दोस्तों खाना। ढक्कन पुआ जैसा, फुटबॉल जैसा फूल गया। ये देखिए दोस्तों इतना रोटी बन के रेडी हो गया। देखिए एकदम क्या है, एकदम मस्त मिक्स होके हो गया। तो देखिए दाल सब्जी और दो प्याज भी काट लिए हैं, चावल, और इधर देखिए प्लेट में दो रोटी है। तो सारा चीज बन के रेडी हो गया दोस्तों, एकदम देखिए सारा सामान ले जाने का रेडी हो गया है। तो हम भाभी को खाना दे के आ गए दोस्तों। शहर का किचन में दोस्तों खाना बनाने का अलग ही मजा है। तुरंत कहीं धोने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। हम लोग घर जाते थे वहाँ ड्राम पर धोने के लिए जाना पड़ता था, यहाँ पर तुरंत ऐसे करो नल चालू करो धोआ जाएगा। हम लोग भी ऐसे ही बनाएंगे दोस्तों। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल सोनम प्रिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था दोस्तों। देखिए यहाँ का मौसम एकदम कैसा लग रहा है, बारिश एकदम पूरा आज दिन भर हुआ है, तो अभी थोड़ा देर छूटा है। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों मार्केट, क्योंकि ना किचन में कुछ भी सब्जी नहीं है, एकदम सारा सब्जी खत्म हो गया है। कल ही आप लोग देखे कि हम आए हैं और कुछ भी सब्जी नहीं है, तो हम खाना कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे अभी बाजार, बाजार से सारा सब्जी लाएंगे और एकदम रात में दोस्तों एकदम पूरा वैरायटी वैरायटी बना के खाना खाएंगे आज। तभी हम चलते हैं बाजार, सामने में ही लगता है, बाजार जाएंगे और आएंगे तुरंत। तभी हम पहले हाथ मुंह धो लेते हैं दोस्तों, फ्रेश हो लेंगे, बाल उल झाड़ लेंगे, कपड़ा वगैरह चेंज कर लेंगे और चलेंगे मार्केट। पानी भी आ रहा है तो देखते हैं, छाता ले लेंगे उसके बाद चलेंगे। तभी हम चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं। तो हम कपड़ा वगैरह चेंज करके पूरा रेडी हो गए हैं दोस्तों, अब चलते हैं मार्केट। खिड़की वगैरह बंद करके रखते हैं, अब चलते हैं फटाफट, उसके बाद आते हैं और खाना पीना बनाएंगे। तो हम रूम लॉक कर दिए दोस्तों, अब चलते हैं। भाभी से एक तो थैला ले लेंगे झोला, उसके बाद चलेंगे मार्केट। तो हम रूम से निकल गए हैं दोस्तों और मेरे साथ ऋषभ भी जा रहा है। का बाबू, हम अकेले जा रहे थे ना, तो इसका पापा बोले कि ऋषभ को भी लेते जाओ साथ में, इसलिए हम लोग दोनों जा रहे हैं। झोला भी ले लिए हैं भाभी से, ये देखिए झोला मांग लिए हैं। चलो सब्जी खरीदेंगे आराम से और आ जाएंगे। का बाबू काका खाएगा, काका खाएगा, लॉलीपॉप लेगा। अच्छा चलो हम लोग चलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी, बाजार सामने में ही लगता है। तो हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं दोस्तों। ये देखिए मार्केट कैसा भीड़ लगा हुआ है। आलू कैसे, 25-20 रुपया है ना। आलू ले रहे हैं दोस्तों, भाभी भी बोली है लेने के लिए, 1 केजी 1 केजी हम लेंगे। अच्छा अच्छा वाला छाटो, ठीक है। तो अभी आंटी तोल रही है दोस्तों, 1 केजी आलू हो गया, इसमें डाल दीजिए और 1 केजी। तो हम लोग आलू खरीद लिए दोस्तों, अब दूसरा जगह चलते हैं, दूसरा चीज़ खरीदते हैं। इधर देखिए बहुत सारा चीज़ है, देखते हैं क्या क्या पसंद आता है, वही सब खरीदेंगे। टमाटर खरीद लेते हैं, उसके बाद और भी देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं। तो हम लोग सारा सब्जी खरीद लिए दोस्तों, क्या क्या खरीदे आप लोग को रूम में जाके दिखाएंगे। और अभी बोल रहा है ऋषभ कि हम लोग फुचका खाएंगे, तो फुचका खाने जा रहे हैं। देखिए इधर ही फुचका बिकता है, तो यहाँ पर खा लेंगे उसके बाद चलेंगे। फुचका दीजिए भैया। पूरा पानी का मौसम कर दिया है दोस्तों, तो हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं रूम। चलो ऋषभ जल्दी जल्दी चलो, पानी आएगा। तो हम लोग रूम पहुंच गए दोस्तों, मतलब गेट पास आए हैं अभी। देखिए भाभी खोजते खोजते हम लोग को यहाँ तक आ गई थी। क्या क्या बोल रहा है? अच्छा फुचका खाते आ रहा है। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों भाभी का रूम, क्योंकि भाभी का भी कुछ सामान है वाला दे रखेंगे। चलो ऋषभ तेरा घर पहले जाएंगे। हाँ मेरा घर जाएगा। अच्छा चलो चलो। तो हम भाभी को सामान दे दिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपना रूम, ठीक है ऋषभ? बाय बाय, आएंगे फिर। तो हम अपना रूम आ गए दोस्तों, यहाँ पर रख लेते हैं सारा सब्जी और आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों हम क्या क्या सब्जी खरीदे हैं।
पूरा उछल के दिखाते हैं, उसके बाद टोकरी में रखेंगे हम। ये देखिए दोस्तों हम क्या क्या खरीदे हैं, आलू, टमाटर, मिर्चा, बंधा गोभी है और फूल वाला गोभी है। तब इसको टोकरी में रख देते हैं दोस्तों, सब्जी वाला टोकरी में। ये देखिए इसी में सब रख देते हैं, टोकरी फूल हो गया, सब्जी नहीं हट रहा है, इतना ज़्यादा सब्जी ले लिए। मिर्चा को भी रखना है, आलू झोला में ही रखेंगे, कहे कि यहाँ टोकरी में जगह ही नहीं बन रहा है। ये देखिए दोस्तों एक टोकरी एकदम पूरा सब्जी हो गया, और यहाँ झोला में भी है, झोला में आलू आटा ही नहीं, यहाँ पर पूरा एक टोकरी भर गया। तब इसको ऊपर में रख देते हैं। अब लग रहा है दोस्तों किचन किचन एकदम सब्जी आ गया ना, तो एकदम अच्छा लगने लगा। तो अब हम बनाएंगे दोस्तों वैरायटी वैरायटी खाना, एकदम पूरा सब्जी आ गया है, सब सारा सब्जी खरीद लिए हैं, पूरा मस्त रात का खाना बनाएंगे। तो हम सबसे पहले दाल चढ़ा देते हैं दोस्तों, इधर दाल बनते रहेगा और हम उधर सब्जी का तैयारी करेंगे, और भात भी चढ़ाना है, दाल बन जाएगा उसके बाद। तो हम कुकर में दाल, हल्दी, नमक सब डाल के पूरा रेडी कर लिए हैं दोस्तों, अब चढ़ाते हैं, थोड़ा सा हाई कर देते हैं। तो इधर दाल बनते रहेगा दोस्तों और हम सब्जी का तैयारी करते हैं। सब्जी काटना पड़ेगा, ये वाला देखिए गोभी का सब्जी बनाएंगे, गोभी और आलू का। देखिए आलू भी हम धो के रखे हैं, चावल डालेंगे ना तभी चावले में डाल देंगे, डेक्चे में चावल बनाएंगे तो चावले में डाल देंगे, ज़्यादा गैस खर्चा नहीं होगा इसीलिए दोनों साथ में दे देंगे। और उसके बाद फिर आटा सानेंगे दोस्तों, थोड़ा सा रोटी भी बनाएंगे और भैया भाभी के लिए भी बना देंगे दोस्तों खाना। भाभी को हम बोले हैं कि आज का खाना हम बनाएंगे, तो बोलिए ठीक है बना लेना, हम लोग के लिए रोटी बना देना, तो उन लोग के लिए रोटी बना देंगे और हम भी रोटी खाएंगे, थोड़ा सा भात भी बनाएंगे, उन लोग भी थोड़ा थोड़ा भात खाएंगे और हम भी थोड़ा थोड़ा भात खाएंगे, हल्का हल्का सब रहेगा। सीटी दे दिया दाल, तो हम जल्दी से तैयारी करते हैं। तो दाल हम उतार दिए दोस्तों और छोड़ देते हैं, थोड़ा सा गैस निकलेगा उसके बाद खोलेंगे, उसके बाद छनकाएंगे भी, तभी हम अधन करके रखे हुए हैं इधर। तो हम अधन भी चढ़ा दिए दोस्तों, अब थोड़ा देर बाद चावल डालेंगे। तो चावल हम अच्छा से धो लिए हैं दोस्तों, तीन चार पानी में धो लिए हैं, अब डाल देते हैं। देखिए अधन भी हो ही गया है, चावल तो डाल दिए, जो आलू धो के रखे थे ना वो वाला भी डाल देते हैं, एक ही साथ ना दोनों सीझ जाएगा, इधर ये सीझते रहेगा और हम उधर गोभी काट लेंगे। गोभी को गरम पानी से धोएंगे दोस्तों, इसीलिए एकदम देसी जुगाड़ हम लगाए हैं, गमला में चढ़ा दिए हैं पानी डेक्ची के ऊपर, ये भी यहाँ सीझेगा और ये भी गरम हो जाएगा, उधर गरम होते रहेगा और हम इधर गोभी काटते हैं फटाफट, एक ही तो गोभी है, हो जाएगा हम लोग का। तो हम अब गोभी काटते हैं दोस्तों, ये बोरा रख लिए हैं, इसमें रखते जाएंगे एकदम, ये डंडी सब कचड़ा नहीं होगा नहीं। गांव में ना बैठे में काट काट के आदत है, यहाँ चाकू से दूसरे लगता है, डर लगता है काटने में। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। तो हम सारा को भी काट लिया दोस्तों, अब इसमें गर्म पानी डाल देते हैं, गर्म पानी डाल के ना थोड़ा देर छोड़ देंगे, इसमें कीड़ा मकोड़ा जो भी होगा सब मर जाएगा, उसके बाद धो देंगे। फूलगोभी तो गर्म पानी में डाल दिए दोस्तों, अब टमाटर भी काट लेते हैं। शहर का किचन में दोस्तों खाना बनाने का अलग ही मजा है, तुरंत कहीं धोने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग घर जाते थे वहाँ ड्राम पर धोने के लिए जाना पड़ता था, यहाँ पर तुरंत ऐसे करो नल चालू करो धोआ जाएगा तुरंत, उसके बाद काटो ऊपर रखा हुआ टमाटर तुरंत काटो और रखो, धीरे धीरे ही तुरंत सामने ही गैस है, फटाक से एकदम गैस में खाना बनाओ, चूल्हा वगैरह का फूकने का टेंशन नहीं है, एकदम आराम से खाना बन जाता है। हम लोग भी ऐसे ही बनाएंगे दोस्तों, अभी तो नहीं टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो हम टमाटर काट लिए हैं दोस्तों, और इधर देखिए प्याज मिर्चा भी एकदम पूरा धो धा के एकदम पूरा रेडी कर लिए हैं, अब इसको भी काट देते हैं। मिर्चा काट के नहीं डालते दोस्तों, लेकिन ना यहाँ तो मेरा लोहरी सिलेट है नहीं जो हम मसाला पीसेंगे, तो मिर्चा काट के डाल देते हैं, फिर झाल नहीं लगेगा तो सब्जी ठीक नहीं लगेगा।
और कुटर मसाला है वो वाला डालेंगे पैकेट वाला। हम प्याज मिर्चा भी काट लिए दोस्तों, अब देखते हैं चावल हुआ है कि नहीं। चावल तो अभी हुआ नहीं है, देख लिए हैं। चलते हैं आटा सान लेते हैं, तब तक उधर चावल बनते रहेगा, हम इधर आटा सान के और छोड़ देंगे ढक के, एकदम पूरा मस्त फूलेगा। आटा एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे ढक के छोड़ देते हैं। भात एकदम पूरा सीज गया है दोस्तों, अब आलू निकाल देते हैं, उसके बाद ढारेंगे। सारा आलू प्लेट में निकाल दिए हैं, अब इधर भात भी हो गया है, गैस बंद कर देते हैं और ढार लेते हैं जल्दी से। चावल तो फसा लिए दोस्तों, अब फटाफट आलू छोड़ाते हैं। तो हम सारा चीज रेडी कर लिए हैं दोस्तों, देखिए गोभी भी धो लिए हैं, अच्छा आलू भी इधर चपटा कर दिए हैं, प्याज मिर्चा सब कटा हुआ है, टमाटर इधर कढ़ाई चढ़ा के तेल भी डाल दिए हैं। पहले गोभी फ्राई कर लेंगे, ये वाला पूरा लाल होकर फ्राई हो जाएगा, उसके बाद निकाल देंगे। पूरा लाल होकर फ्राई हो गया है दोस्तों, अब इसको निकाल देते हैं। ये वाला यूज आ गया दोस्तों, इसी से निकालते हैं। यह है मिक्स मसाला, डाल देते हैं। क्या ही एकदम मस्त लग रहा है। अब गोभी भी डाल देते हैं, साथ में फ्राई होगा। एकदम पूरा सब मिक्स हो गया है, अब इसमें पानी डाल देते हैं। देखिए एकदम क्या ही एकदम मस्त मिक्स होके हो गया है, वाओ देखने में एकदम पूरा मस्त लग रहा है, खाने में भी लगेगा। अब पानी डाल देते हैं इसमें, अब इसको ढक के छोड़ देते हैं। सब्जी पूरा बन के रेडी हो गया है दोस्तों, एकदम मस्त लग रहा है, रोटी साथ खाने में एकदम पूरा मज़ा आ जाएगा। अब इसको उतार देते हैं। सब्जी तो बन गया दोस्तों, अब रोटी बनाते हैं। देखिए पूरा ढक के छोड़ देने से पूरा मस्त हो गया है, अब फटाफट बनाते हैं रोटी। कहे कि ना ऋषभ के पापा का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, तो फटाफट बना देते हैं, हम ही बना देंगे सबका भाभी को, तो बनाना पड़ेगा जल्दी जल्दी हमको। ये देखिए दोस्तों एकदम पूरा मस्त एकदम फूल गया फुटबॉल जैसा, सान के छोड़ दिया था ना ऐसी एकदम इतना मस्त फूला। इसको यहाँ रख देते हैं, तो हम फटाफट रोटी बना लेते हैं दोस्तों। यही वाला लास्ट है दोस्तों, उसके बाद सारा चीज बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद खाएंगे। नहीं पहले भैया इस सबको वहाँ पहुँचा रख देंगे, वहाँ हम लोग खाते रहेंगे और हम भी इधर खाते रहेंगे। तो भैया का तबीयत खराब हो गया है और भाभी का भी सर्दी बुखार आया है, तो सोई हुई थी दिन में, इसीलिए हम बोले कि आप खाना मत बनाइएगा, हम खाना बनाएंगे, तो वहाँ पहुँचा रख देंगे, उसके बाद हम फिर खाएंगे। ये देखिए दोस्तों कितना एकदम ढक्कन पुआ जैसा फुटबॉल जैसा फूल गया, अब गैस बंद कर देते हैं। हो गया पका हुआ, ये देखिए दोस्तों इतना रोटी बन के रेडी हो गया, देखिए एकदम पूरा गर्मा गर्म फूला फूला। तो सारा चीज बन के रेडी हो गया दोस्तों, हम लोग चावल नहीं खाएंगे, फोन किए थे तो बोले कि हम लोग चावल नहीं खाएंगे, खाली रोटी पहुंचा देते हैं। ये देखिए हम चार पांच रोटी रख लिए हैं और सारा रोटी उन लोग को पहुँचा दे रहे हैं। यहाँ पर सब्जी ले लेंगे, ये देखिए इधर सब्जी भी बन गया है, तो हम प्लेट में सब्जी कर लिए दोस्तों उन लोग इतना, और देखिए मेरा इतना बचा है, ढक के छोड़ देते हैं, हम आके खाएंगे। एकदम देखिए सारा सामान ले जाने का रेडी हो गया है, अब चलते हैं उठा के। तो हम भाभी को खाना देके आ गए दोस्तों, रोटी भी पहुंचा दिए और बाद में बोली भाभी कि थोड़ा सा भात भी ला दो, तो हम भात भी ले जा दिए हैं। देखिए थोड़ा सा बचा है मेरा, हम अपना इतना बचा लिए हैं और बाकी बात सब पहुंचा दिए हम सबको। तो हम भी अब खाना पीना खाते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, एकदम भूख भी लग रहा है एकदम।
इतना सारा चीज बना है, एकदम देख के मुंह में ना पानी आ रहा है। हम जल्दी से खाते हैं। अब देखिए दाल भी एकदम हम छौंका लगा लिए हैं, तो अब फटाफट बांटते हैं। तो हम सारा खाना बांट लिए हैं दोस्तों। देखिए दाल सब्जी और दो प्याज भी काट लिए हैं, चावल, और इधर देखिए प्लेट में दो रोटी है। अब पूरा मस्त से खाना खाएंगे दोस्तों। एकदम पूरा मुँह में लालच आ रहा है, एकदम पानी आ रहा है देख के। हम फटाफट अब खाते हैं खाना। तो हम खाना पीना खा लिए दोस्तों, एकदम पूरा मस्त एकदम टेस्टी बना था, एकदम खा के एकदम पूरा मजा आ गया, पूरा भरपेट खाए। तो अब आराम करते हैं दोस्तों, काफी रात हो गया, एकदम पूरा एकदम खाना बनाते बनाते टाइम हो गया। तो अब थोड़ा देर पढ़ाई करते हैं, अब उसके बाद सो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।